रुक जा। तो आप देख दोस्तों, सिर्फ रैया यहाँ पर फंसी हुई है, खाली रैया, टोटल रैया आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा मछली इसमें फंसी हुई है पूरा एक खाने में। और ये एक नंबर सूत का है, तकरीबन एक नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक उंगली जिसके अंदर चला जाता है उतना ही जाल होता है ये। तो आप लोग देख सकते हैं कितना खतरनाक तरीके से फंसी हुई हैं एक एक खाने में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फंसी हुई हैं आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं चलिए आपको दिखाता हूँ छोटी मछलियाँ किस तरह से फंसाई जाती है जाल से। यहाँ पर एक खेत है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, बहुत छोटा सा पानी है आप देख सकते हैं, गाठ के नीचे ही पानी है, तकरीबन दो भित्ते पानी है ज़मीन में खेत में। और अभी दिखाता हूँ किस तरह से फंसती हैं जाल से। टूट कर मैं न बिक जाऊं, संभालो आका। तो सनवा खड़ा है वो खेतवा में, देखो ना जरा फाड़ आ रहा है। हाँ भैया वो लागत है शिकार पे, यहाँ है कुछ। इतने सारे शिकारी आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे लोग मछली पकड़ने के लिए आए हैं। और ये देखो समीर समीर खेड़े। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जाल इस तरह से लगाया जाता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक डंडा इस तरफ लगा दिया जाता है, जहाँ पर खर में जहाँ पर खर काफ़ी ज़्यादा हो वहीं पर मछलियाँ भी उसी तरफ से भागती है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर हमने जाल लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इस तरह से डंडा को तानते हुए काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 10 फीट से 15 फीट आपकी जाल की लेंथ होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, बीच में डोरी भटर जाता है, इसलिए यहाँ पर पानी काफ़ी तेज यहाँ पर बह रहा है आप लोग देख सकते हैं। और इस तरफ यहाँ पर लगा दिया है, तो मछले जितने भी आएंगे उस नदी से, वहाँ पर नदी है और नदी से किनारा आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सारा पानी बढ़ रहा है, और यहीं पर जाल लगा दिया, जितना मछली आएंगी साथ ही साथ उसमें फंसती जाएंगी। तो अभी आपको दिखाता हूँ किस तरह से फंसेंगी, और आपको छुड़ाकर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जाल को सही करना पड़ता है, थोड़ी डोरी को नीचे दबाना पड़ता है ताकि जाल बटर न जाए, वरना मछलियाँ नीचे से चली जाएंगी। खेत में पानी कितना कम है आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाढ़ भर से कम पानी है। तो इस तरह से 3-4 जाल आपको लगा देना है और आप फंसा सकते काफ़ी ज़्यादा मछली। वहाँ पर बाबा भी लगा रहे हैं जाल, लगाएंगे इस खेत में। और यहाँ जस्ट बगल नदी है, काफ़ी ज़्यादा पानी है इसमें, तो गाइस पौड़ा है नदी, यानी कि पौड़ना पड़ेगा इतना पानी है। यहाँ पर एक डंडा उस तरफ, एक डंडा इस तरफ, दो लोग लगते हैं, वरना अकेले भी लगा सकते हो, दो डंडे अलग अलग करके टाइम टाइम से लगा सकते हो बारी बारी से। तो जाल लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे डोरी दबाना पड़ता है। दोनों डंडे एक साथ लगा देना है ज़मीन में, और हल्का सा नीचे का डोरी दबा देना है, फिर से वही काम दोबारा बार बार करना है। तो टोटली दोस्तों इस तरह से हमने 3 जाल लगा दिया है। अब इसको हम आधा घंटे बाद आपको दिखाते हैं निकालने के बाद कितना ज़्यादा मछलियाँ इसमें फंसी हुई हैं। तो आधा घंटा बाद मिलते हैं फिर से। और हम यहाँ पर जाल लगा हुआ हमारा, आप देख सकते हैं पूरा नदी का पानी जो है उस तरफ से आ रहा है, और यहाँ पर जाल लगा हुआ है, चूंकि मछली यहाँ पर फंसाना है तो इसलिए जाल यहाँ पर लगा। हेलो मैं क्या लगाए तो इसे बहुत। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मछलियाँ यहाँ पर फंसी हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तरीके से आप देख सकते हैं कितना सारी मछलियाँ फंसी हैं। अभी मैं बाहर चल के इसको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा मछलियाँ फंसी हैं। यहाँ पर एक तरफ से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मछली हैं, वही तरफ से होते यार काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ फंस जाती है। तो इस तरह से आप लोग फंसा सकते हो, सबसे आसान तरीका है मछली फंसाने का ये। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसी हुई हैं, अब मज़ा आएगा यार यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसी हुई हैं आप देख रहे हो। यहाँ पर ये सब कुर्सा का बच्चा है, रैया जिसको कहते हैं, पनिया ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ फंसी हैं इसमें। यहाँ पर और यहाँ पर, अब यहाँ पर एक जाल और आपको दिखाता हूँ, टोटली 2 जाल हो चुका। अब इन सारे का मैं आपको छुड़ा कर दिखाऊंगा मछलियाँ कितनी ज़्यादा मात्रा में फंसी हैं इसमें।
इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, वैसे तो ऊपर ऊपर से बिल्कुल सुखा हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें भी फंसी हुई है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं फंसी जितना फंसना चाहिए था। आप लोग और यहाँ पर दोस्तों जितना ज़्यादा खर के खर में आप लोग लगाओगे जाल उतना ज़्यादा फंसेंगे इसमें। और इन सब मैं आपको बहरे ले चलकर दिखाता हूँ बाहर, पानी से बाहर, क्योंकि यहाँ पानी ढेर है तो इसमें छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समय लगेगा काफ़ी ज़्यादा। पर ये थोड़ा एक अंगूरा फाना था तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मछलियाँ, कुर्सा का बच्चा और रैया फंस रही हैं, तो मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखना और छोड़ के मैं भागना, वरना समय में नहीं आएगा और मज़ा भी नहीं आने वाला है। तो आपको दिखाता हूँ वहाँ पर ला रहा है कितना ज़्यादा मात्रा में फंसी हैं और जाल भी किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह का है ये भी दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। यहाँ पर देखिए आप लोग, अब ये अगर थंबनेल निकाल लायक है तो आप देख दोस्तों, सिर्फ रैया यहाँ पर फंसी हुई है, खाली रैया, टोटल रैया आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा मछली इसमें फंसी हुई हैं पूरा एक खाने में। और ये एक नंबर सूत का है, तकरीबन एक नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक उंगली जिसके अंदर चला जाता है उतना ही जाल होता है ये। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ख़तरनाक तरीके से फंसी हुई हैं एक एक खाने में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फंसी हुई हैं आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आप लोग भी फंसा सकते हो अपने नदी में जाल लगाकर मछलियों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाले जाल में जो थोड़ा सा बड़ा फाने का था, तो इसमें सिर्फ कुर्सा और रैया फंसा हुआ है इतना ख़तरनाक तरीके से, एक एक फाने में फंसा हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ फंस रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग वीडियो पूरा देखना, छोड़ कर भागोगे तो उसमें नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैंने छोटे छोटे जाल से आपको दिखाया था शुरू में, लेकिन अब दिखा रहा हूँ यहाँ पर बड़े बड़े जाल में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है यहाँ पर रैया कुर्सा सिर्फ। तो इस तरह से आप लोग भी फंसा सकते हो, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मात्रा में फंसा हुआ है यहाँ पर रैया कुर्सा। दोस्तों मैंने यहाँ पर मछली को छुड़ा रहा हूँ, ये कुर्सा का बच्चा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से काफ़ी सारी मछलियाँ फंसी हुई है जाल में आप देख सकते हैं, नीचे वैसे पड़ी हुई छुड़ाने के बाद, और फिर भी छुड़ा रहा हूँ। ये थोड़ा बड़ा सूत का था और छोटी सहरिया तो इसमें फंसी हुई है दूसरे जाल में, तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से आप लोग बहुत सारे सहरे फंसा सकते हो, ये कुर्सा का बच्चा दोस्तों रैया जिसको कहते हैं, और बहुत ज़्यादा फंस रही हैं आज तो, क्योंकि पानी बहुत कम हो चुका है नदी का, जलस्तर बिल्कुल डाउन हो चुका है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पानी का जलस्तर जैसे ही कम होगा तो इसमें मछलियाँ फंसना स्टार्ट हो जाएंगी, शुरू कर देंगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारे मछलियों को छुड़ा लिया है, अब झोरे में रख कर इसको घर ले चलेंगे घर पर। तो यहाँ पर इसको मैं रख देता हूँ छुड़ाने के बाद। यहाँ पर रैया कुर्सा दो रैया कुर्सा कुर्सा बच्चा होता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा माटी में लग गए हैं। तो दोस्तों आपने देखा मैंने सिर्फ एक पार में इतना मछलियाँ फंसा लिया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 किलो होंगी। और इस तरह से आप लोग फंसा सकते हो, बहुत ही आसान था, सिंपल तरीका था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, तो आप लोग भी इस तरह से फंसा सकते हो। तो आज का वीडियो हम यहीं पे सुना देते हैं, मिलते हैं किसी तरह के नए वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।